सबसे पहले हमारा रोड एस्टिमेट हो गया था, इसके अंदर बाद हम ड्रॉ करेंगे मेन कैरिज के साथ सर्विस रोड का कैरिज सर्विस रोड जो कि हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, मेन कैरिज में ले लेंगे। इसके अंदर अनपेड शोल्डर आ जाएगा, लेफ्ट साइड शोल्डर आ जाएगा, राइट को मेन कैरिज है यह हमारा। होने के बाद सेव कर देंगे इसको, फिर ऐड करेंगे। इसके अंदर हमें लेफ्ट साइड का सर्विस रोड कहना है, तो एल एस आर लिंक टू लेफ्ट साइड कर देंगे इसको। अब हम इसको मीडियन हटा देंगे इसमें से, राइट साइड एंड पे शोल्डर रखेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड का करीज हो गया, सेव कर देंगे इसको। सॉरी, लिंक करना है हमको तो लिंक मेन करीज से लेफ्ट साइड में कर दिया है और सेव कर देंगे। फिर हमें ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड का लिंक टू मेन करीज वे, यहाँ पे राइट साइड इस और राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड का स्लोप आ जाएगा, सेव कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। ये हम इसको सेव एज कर देते हैं, सॉरी सेव कर देंगे इस प्रोजेक्ट को हम किस नाम से, सर्विस रोड से कर देते हैं, SCRVIC सर्विस रोड सेव, या इसको हमने सेव कर दिया है सर्विस रोड से। अभी इसके बाद हमें टेम्पलेट्स हमारे बन गए हैं, उसके बाद हमें जाना है इसमें डाटा, डाटा के अंदर जाने के बाद डिजाइन लेयर में जाएंगे। यहाँ पे हमारे आ गए हैं ये, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करीज का देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं LHS लेफ्ट साइड करीज, ये हो जाएगा हमारा मीडियन लेफ्ट एज से, ओके। अब उसके बाद सेंटर जीरो से हो जाएगा हमारा ये जीरो। उसके बाद लीजेंड अगर हमें शो करवाना है, जैसे कि BCWMMDBA अगर हमें शो करवाना है, तो हमें इस पर टिक कर देना है डिस्प्ले लीजेंड्स को और सेव कर देना है। ऐसे ही हमारा आ जाएगा, ऐड करेंगे राइट साइड का कर देंगे इसके अंदर RHS सेंटर मीडियन टू राइट एज, ओके। यहाँ पे जीरो अगर लीजेंड दिखाने हैं तो इस पर क्लिक करें, टिक करने के बाद ओके कर देना, हमको जैसे ही नहीं दिखाना है इसके अंदर। ये लेफ्ट एज का हो गया, ये हमारे राइट एज का हो गया। सेम एज हमारा जो है इसके अंदर लेफ्ट साइड का आ जाएगा, तो ऐड करेंगे LHS इसके अंदर आ जाएगा सेंटर टू लेफ्ट जीरो डिस्प्ले या सेव, और फिर हमारा ऐसे राइट साइड का आ जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे RHS सेंटर टू राइट जीरो सेव कर देंगे इसको, और ये हमारे सभी के आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारा PC और ये सब हमें फिल करना है, तो मैं आपको फिल कर देता हूँ इसको। जैसे कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा BC मटेरियल में भी आ जाएगा, BC थिकनेस 50 mm का हो जाएगा, जैसे भी जो भी आपका उसमें दे रखा हो उसके अंदर कर देना है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम FRL सेम एज FRL, यहाँ पे आ जाएगा FRL कंडीशन वर्टिकल आ जाएगी अपनी, स्लोप 90 का कर देते हैं, कंडीशन वर्टिकल आ जाएगी अपनी स्लोप 90 का कर देते हैं। अब यहाँ पे PSH लेफ्ट, ओके। अगर स्टार्ट से हम करते हैं तो
तो यहाँ पे जीरो और जीरो कर देंगे। कलर जो भी आप देना चाहें वो रेड येलो ग्रीन जो भी है आपका रेड दे देते हैं। अगर हैचिंग में देना है आपको तो यहाँ पे हैचिंग भी दे सकते हैं। हैचिंग के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं हम कंक्रीट का देंगे तो ए आर कंक्रीट। उसके बाद ये अपना जो स्केल है इसके अंदर अपना आ जाएगा 0.005 और इसको एंगल को हम जीरो रखते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो ये मैचिंग दे दिए। उसके बाद में क्रॉस सेक्शन के अंदर यस, कोऑर्डिनेट्स में भी यस, रिस्ट्रिक्शन लेयर एट एक्सिस्टिंग। जब हमारा ये रिस्ट्रिक्शन लेयर्स कोऑर्डिनेट्स देखो क्रॉस सेक्शन हमको दिखाना है या अगर आपको टेबल नहीं दिखानी हो कोऑर्डिनेट्स की तो इसको नो कर देना है, अगर दिखानी हो तो यस कर देना। अगर ये एक्सिस्टिंग लेयर दिखानी हो रिस्ट्रिक्टेड लेयर एट एक्सिस्टिंग यस और नो, ट्रिम यस तो ट्रिम को यस कर देना है, अलाउ एक्सिस्टिंग नो नन और इन दोनों को बेस लाइन यस, बॉटम लाइन यस। ये आपका आ गया। ऐसे ही हम बाकी सबको डाल देंगे। तो जैसे आपने देखा आपने इसको सेव कर दिया, आगे ऐसे ही हम बाकी सभी को डाल देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और उसके अंदर ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको कर देते हैं, जैसे इसको कॉपी किया हमने यहाँ से, इसको यहाँ पे लेके गए पेस्ट कर देते हैं। आ गया ये हमारा। अब यहाँ पे हमारा पी एस लेफ्ट एज लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट एज पी एस लेफ्ट एज पी एस लेफ्ट एज, यहाँ से हमारा स्ट्राइड स्लोप आ जाएगा, स्ट्राइड स्लोप और ये स्ट्राइड स्लोप आ गया। अब इसके अंदर यहाँ हमारे को अगर वो देना हो, अगर हैचिंग देनी है तो हैचिंग के लिए हमें इसके अंदर अपने हिसाब से दे सकते हैं हम इसको। तो इसके अंदर देख लेते हैं हम, ये ANS 31 दे दो, 32 दे दो, 33 दे दो, जो भी आप देना चाहें। इसको 1 कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर चलाएंगे तो यहाँ पे डॉट्स दे देते हैं हम, आपकी उसमें देख लेना है कि आपको क्या देना है। इसको अपने हिसाब से सेट कर देना है, 0.6 दे देता हूँ यहाँ पे, क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको डॉट्स के बाद इसको ANS 34 दे देते हैं और इसको 0.2 कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसको भी ANS 35 कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। और ये हमारा जो सबग्रेड है इसको हम दे देते हैं एंगल यहाँ पे 1 कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का। ऐसे इसको कॉपी करेंगे और इसको हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये, तो जो वर्टिकल हो गया ये भी हमारा वर्टिकल हो गया है ना। इसको हम कर देंगे सेल्स राइट, ये सेल्स राइट, PSH right, PSH right,
or side slope, right, or side slope, right. और फिर हम इसको ये जैसे कि इसमें सेव कर देंगे, ये वाइट ग्रीन ग्रीन, इसमें वाइट ग्रीन दोनों सेम आ गए हैं, ये 41 जो भी है इसको हम चेंज कर देते हैं कलर को, ग्रे लाइट ग्रीन ब्लू में चलते रहते हैं, इसको सेव कर देते हैं और लेफ्ट में भी हम इसको ब्लू कर देते हैं और सेव कर देंगे इसको। ऐसे ही हम यहाँ से लेफ्ट साइड का हमारा इसको कॉपी कर लेते हैं और LSCR के अंदर जो लेफ्ट है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी सेम ही रहेगा, ये वर्टिकल आ जाएगा, ये भी वर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे PSH लेफ्ट PSH लेफ्ट PSH left, PSH left और PS side slope, या PS side slope, ये side slope आ गया इसका, सेव कर दिया हमने इसको, ये सेव हो गया है। अभी इसको भी हम ब्लू कलर दे देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी हमको लगता है इसमें ब्लू कलर है, राइट में 31 ही है, तो इसको ब्लू कलर देने के बाद सेव कर देते हैं, तो हमारा इसमें भी हमारा GSV तक आया है, ये हमारा हो गया Ctrl+C सबक्रिएट LSC। और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हम इसको यहाँ से पेस्ट मार देते हैं, तो हमारा आ जाएगा ये साइड स्लोप लेफ्ट, ठीक है, साइड स्लोप लेफ्ट आ गया, इसको हम सेव कर देते हैं, सेव हो गया। ऐसे ही हम मेन कैरिजवे में राइट साइड को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C दबाया हमने, इसमें जाना है और इसको पेस्ट कर देना है, राइट साइड में जाना है और इसको पेस्ट कर देना है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वर्टिकल वर्टिकल 90 वर्टिकल 90 PSL राइट एज, PS हमारा ये इसको लेफ्ट से राइट में जाना है, तो ये हमारा PSL राइट एज, PSL राइट एज, राइट एज, राइट एज, और ये आ जाएगा हमारा साइड स्लोप में, और ये भी हमारा आ जाएगा साइड स्लोप में। ऐसे हम इसको कर देंगे, ये हमारा आ गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको बंद कर देना है, उसके बाद हमें डाटा में जाना है, OGL अपलोड कर देंगे इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास ये OGL है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसके अंदर हमें पेस्ट कर देना है, Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा ये, और हमें इसको सेव कर देना है। ऐसे ही हम डाटा में जाएंगे, FRL पर जाएंगे, जैसे कि हमारे FRL दे रखा, इसको कॉपी करेंगे और FRL को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसमें पेस्ट करने के बाद मिरर कर देंगे इसको भी, बोथ साइड में सेम है हमारा FRL, और हम इसको सेव कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है डाटा के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर चले जाएंगे हम। इसके बाद हमें क्या है कि इन सभी मीडियम कितना है हमारा, जैसे कि 0 हमारा है, 4 मीटर का मीडियम ले लेते हैं, हमारा स्लोप में है तो 6% स्लोप में कर देते हैं इसको, है ना,
ऐसे ही सेम चार और स्लोप में है माइनस का 6% स्लोप में कर दिया इसको और कर्व हमारी है नहीं तो सेव कर देंगे। ये हमारा मीडियन का हो गया। अभी हमारा पीएस देख लेते हैं 0, 2 मीटर स्लोप स्लोप हमारा है नहीं तो 0 कर देते हैं इसको भी मिरर और सेव कर देते हैं। अभी यूएस लेफ्ट को 0 ये है 2 मीटर का ये हमारा माइनस 2.5% उसको 2.5% का कैम्बर जो हमारा है उसको हम दे देते हैं इसमें मिरर और सेव। ये पीएस जो है ये हमारा है 1.75 का इसके अंदर भी सेम मी 2.5% का स्लोप है मिरर एंड सेव। साइड स्लोप वर्टिकली जाएगा नहीं हमारा ये 1:2 का हो जाएगा। हाइट अप टू 2 मीटर का दे देते हैं हम ठीक है मिरर कर देते हैं सेव कर देते हैं लेयर में चलते हैं 0 ये हमारा आ जाएगा मेन कैरिजवे का तो सेव कर देते हैं। तो ऐसे हमारा कैरिजवे आ जाएगा जो कि कैरिजवे हमारा है जैसे कि हमारा है 12 मीटर का हम दे देते हैं स्लोप 2.5% का रखते हैं मिरर और सेव कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सेव हो गया है। अब उसके बाद हम इसको चलते हैं तो इसमें हमारे को साइड स्लोप में क्या है 0 फिल साइड में हमारा हो जाएगा 1:2 का स्लोप कट में वर्टिकल हो जाएगा। हाइट कुछ नहीं देना है इसमें मिरर कर देना है मिरर और सेव कर देना है इसमें 0 1 मीटर का यह दे देना है 2.5% का कैम्बर दे देना है इसमें तो मिरर सेव कैरिज हो गया 0 4 मीटर का और 2.5% का कैम्बर सेव लेयर में चले जाएंगे हम 0 और इसके अंदर हमारी लेफ्ट साइड है सेव कर देंगे ठीक। अभी हम इसको राइट साइड में जाएंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में साइड फ्लो ओके ये हमारा होगा नहीं सॉरी इसके अंदर हम जाएंगे टेम्पलेट्स में लेफ्ट साइड का क्या है लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड में हो गया राइट साइड लेफ्ट साइड में पे छोड़ दिया और राइट साइड ये हट गया सॉरी सेव कर देंगे। हाँ तो हमारा जो है 0 विड्थ 1 मीटर 2.5% का कैम्बर सेव। अब इसके अंदर 0 1:2 का स्लोप दे देते हैं ये वर्टिकल कट में आ जाएगा यहाँ पे 0 हाइट में कर देते हैं सेव कर देते हैं। अप साइड में 0 1 मीटर विड्थ का हो गया 2.5% का स्लोप हो गया सेव कर देते हैं ठीक सेव हो गया। अभी हम इसको रन करवा देते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये एक साइड का जनरेट हुआ दूसरी साइड लाया नहीं है तो उसके लिए हम जाते हैं इसमें टूल्स में डाटा में डिजाइन लेयर में टेम्पलेट्स में जाएंगे राइट साइड में जाएंगे
कैरेज जो हमने दिया नहीं, इसमें 4 मीटर का हो गया, 2.5% का एम पर हो गया, सेव कर दिया। लेयर में जाएंगे, राइट साइड में इसको थोड़ी ये छूट गया था, इसको सेव कर देंगे। अभी 1 मीटर है, 4 मीटर है, 1 मीटर है, ये हो गया सेव। अब दोबारा से इसको रन करवा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा एक क्रॉस सेक्शन बन के तैयार हो गया है। तो इस हिसाब से हम हमारा क्रॉस सेक्शन, अभी इसमें अंदर हमने स्लोप दिया, अभी हमारा स्लोप आया नहीं है, तो इसके अंदर क्या करना है, डाटा में जाना है, लेयर में जाना है, सॉरी इसमें डाटा में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, मीडियन में जाना है, ये जो स्लोप है हमारा इसको हमने ट्रू कर देना है, ये जो स्लोप है हमारा इसको ट्रू कर देना है, ये जो स्लोप है या एज लेवल में ट्रू कर देना है, ये जो हमारा है इसको भी ट्रू कर देना है, ठीक है। इसको दोबारा से रन करवा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कोई स्लोप नहीं है, अभी हम इसको रन करवाते हैं वापस, फिर देखते हैं, देखिए स्लोप आता है कि नहीं आता है। अभी तो इसमें स्लोप नहीं आया है हमारा, तो हम एक बार इसमें जाएंगे, डाटा में जाएंगे, डिजाइन लेयर में जाएंगे, सॉरी डाटा में गए, टेम्पलेट्स में गए, मीडियन में गए, माइनस का 6% सॉरी जिसके अंदर हमने ट्रू करना है, सेव नहीं किया था, ट्रू करना है, ट्रू कर दिया हमने इसको, और इसको भी हमने ट्रू करके सेव कर देना है, फिर उसके बाद हमने इसको रन करवाना है। देखिए हमारा स्लोप में आ गया है। अभी हमें इसके अंदर अगर हमको इसका नीचे का डाटा शो करना है, होटल वगैरह, तो हमें जाना है इसके अंदर, जाना है कॉन्फ़िगर्स में जाना है, क्रॉसिंग्स में जाना है, वो चीज लेना है, एम्बेगमेंट लेवल नहीं लेना, पर कोज ऑफसेट लेना है, FRL लेना है, सेव कर देना है, और इसको वापस से रन करवा देना है। तो ये हमारा नीचे का लेवल दिखाते हैं, सभी के ऑफसेट वगैरह, RL वगैरह, ये सब हमारा दिखा देता है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन गया। इस हिसाब से अगर हमको इसमें ऊपर चैनेज वगैरह दिखाने हैं, तो हमें क्रॉस सेक्शन सेटिंग्स में जाना है, इसके अंदर जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमें डालना है, अभी हमने इसमें ओजीओ डाला है, ग्रिड का ही डाटा डाल दिया है, और उसके बाद हमने डायमेंशन का डाला है, और उसके बाद कैप्शन का डाला। अभी इसको क्लोज कर देंगे, हम वापस से इसको रन करवाते हैं। जैसे ही हम इसको रन करवाते हैं, आप देख लोगे कि यहाँ पे आ गया हमारा चैनेज, और ये हमारा आ गया मीडियन का, 4 मीटर मीडियन इस तरफ है, 4 मीटर मीडियन इस तरफ है, 12 मीटर का हमारा मेन कैरिज आ गया, 2 मीटर का हमारा पेव्ड एंड पेव्ड शोल्डर आ गया, उसके बाद हमारा 2 मीटर का स्लोप आ गया, और अभी जो हमारा आया है इसके अंदर 4 मीटर का और 2 मीटर का, 1 मीटर का जो भी हमारा हमने डाला था उसके अंदर, ये हमारा डाटा है। अगर हमारे मीडियन में अगर ट्री वगैरह दे रखे हैं, तो हमने जाना है इसमें ओपन प्रोजेक्ट्स में, या सेव कर देते हैं इसको। अभी हमने डेस्कटॉप पे जाना है, सॉरी प्रोजेक्ट्स का नहीं है हमारा,
project ओपन ड्राइंग फाइल्स में डेस्कटॉप पे जाना है, इसके अंदर हमारी ऑटोकैड फाइल होंगी, DWGDX भी जो भी फाइल है आपकी, उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हमारा आ गया है ट्री, इसको मुक कर देते हैं हम, ये हमारा हो गया है, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट मार देना है, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी हो गया, मूव करवा देंगे इसको, ये हमारा मीडियम तैयार हो गया हमारा। अब इसी के साथ हमारा जैसे कि BC DBM WMM WMM GSP ये इन सब पर अगर हमें एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम में जाना है, ओरिजिनल टू एम्बेगमेंट कर देंगे हम इसके अंदर, डाटा निकाल देंगे तो हमारा ये फिलिंग का वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हम ओरिजिनल टू अगर हमें किसी इसके अंदर से निकालना है डाटा, जैसे सबग्रेड का निकालना है, जनरेट कर देंगे तो हमारा सबग्रेड का डाटा आ जाएगा ये वाला। इसी प्रकार से हम हमारा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देते हैं और हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं।